मेरी जिंदगी बिगाड़ी पत्नी मुझको मना के बैठा दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनादर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मैं हूँ धीरज और वो है मम्मी और वो है सिमरन और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल और हम लोग हैं अभी भोपाल में। हम लोग ने अपने नेक्स्ट ब्लॉग में यानी पिछला जो हमारा ब्लॉग देखा आपने देखा होगा कि हम लोग शॉपिंग करे थे और उसके बाद हमने बताया था कि हम लोग जाने वाले कहाँ मेला भोपाली मेला और उसके बाद में हम लोग डिनर करने जाने वाले हैं। सो चलते हैं हम लोग देर ना करते हुए, लेट्स गो गाइस। हम लोग मेला और ये लोग घूम रहे थे, पता नहीं हम लोग इनके उधर वेट कर रहे और ये लोग इधर अंदर आ गए थे। बहुत देर से 15 मिनट कम से कम हम लोग इनको ढूंढते रहे, फोन लगाते रहे, फोन भी नहीं लगे इन लोगों के। फिर आखिरकार इसमें नेटवर्क चले गए थे, इसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, तुम्हारे फोन ही नहीं लगे। मैं ढूंढ रही थी बहुत देर से, तुम लोग मिल ही नहीं रहे। एनीवेज अब हम लोग पहुँच चुके हैं मेले में। ऐसा कुछ है मेला, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करेंगे। झूला हुआ करे तो मैं नहीं झूलूंगी, मेरा कुछ मूड नहीं है झूला हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो गाइस यहाँ पर ये बैंड भी चल रहा है, बैंड भी अगर हम लोग अब चाह रहे हैं कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के सुन लेते हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और आप देखो झूले भी लगे हैं बड़े बड़े। प्रणाली पाटिल okay guys, we have Manali with us, who's going to Pranali with us and she's going to sing, I guess. Okay, so guys please welcome Pranali on the stage. She'll be singing for you guys and थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे। देख लेंगे यार, बिना बैंड के कैसे 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 होगा। गाइस पहली बार ब्लॉग कर रहा हूँ। सो गाइस पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रणू बिना इसके गाना गा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंड ने मना कर दिया है और बिना उसके कैसे पता नहीं प्रणू परफॉर्म करेंगी। सिर्फ वॉइस है यार। हेलो 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 हेलो। सो आप सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड बहुत देर से हम लोग बहुत प्यारे प्यारे गाने सुन रहे थे। सो आई थॉट कि क्यों नहीं मैं भी एक गाना परफॉर्म करूँ जब मैं यहाँ पर हूँ। मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ, आमला से। सो मैंने सोचा ठीक है ये गाना परफॉर्म करते हैं। बैंड के साथ सोच रही थी लेकिन बैंड उन लोगों का पर्सनल बैंड है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। बट ठीक है, मैं विदाउट म्यूज़िक आप लोगों को एक गाना सुनाऊंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एंड इसके बाद एक गाना है जो मेरा बहुत वायरल हुआ था, मैं वो भी आप लोगों को सुनाऊंगी क्योंकि मेरी लव मैरिज है तो तो लव मैरिज के एक गाना मैंने और ये मेरे हस्बैंड इधर खड़े हैं, उन्होंने क्रिएट किया है, तो वो भी इसके बाद सुनाऊंगी। सो गाने जा रही हूँ माही में। वक्त का करम है कि तू बैठा है मेरे रूबरू, है इश्क कितना तुझसे लफ्जों में कैसे मैं कहूँ। एक नजर तू देख ले बस मेरी, और किसको सुनाए जाके दिल का शोर बे माही बे। मोहब्बत सचिया ने वक्त का करम है बस और है किस्मत दे मारे असिक करिए, किस्मत दे मारे असिक करिए, किस्मत दे मारे ओ असिक करिए। किस्मत ते किस दा जोर है माही बे, माही बे, माही बे, माही बे। थैंक यू। एंड इसके बाद मैं गा रही हूँ मेरा वायरल सॉन्ग। थैंक यू सो मच। सो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो ना तो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो लव मैरिज वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लव मैरिज कपल्स आए हैं। लव मैरिज के फायदे, ठीक है। मेरी जिंदगी बिगाड़ी पत्नी मुझको बना के बैठा दिया यहाँ पे काम वाले भाई, जैसा यार कहाँ कहाँ सा याराना याद करेगी तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हम लोग खा रहे हैं मोमोस। और प्रणू, कैसा लगा तेरे को गा करके इतने सबके बीच में? सबसे पहले तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, मतलब डर मतलब इतने सारे लोग और एकदम से प्रिपरेशन नहीं रहती है ना, और एकदम से जाके आपको बोलेंगे सडनली आपको गाना है गाना, तो सडनली क्या अपन लोग थोड़ी देर से थोड़ा सा वो कर रहे थे, वैसे नहीं, पर प्रिपरेशन जो घर से करके आते हैं अपन किसी प्रोग्राम के लिए, और एकदम से सडनली गाने में अंतर रहता है, और म्यूजिक के साथ गाने में बहुत अंतर। हाँ, ये चीज थी यार, वो लोग कितने बेकार थे यार, ये गाना गाने में क्या हो रहा था उनका। नहीं, म्यूजिक बजाने मतलब अगर हल्का सा गिटार भी बजा लेता ना वो बैक में बेस में, तो थोड़ा सा। अच्छा, तू बता, उसकी जगह छाप तिलक भी गाती ना तो थोड़ा सा धैर्य रख के गा लेती थी, बाकी ये बहुत अच्छा था। मगर मैं तो बोला था कि उसके बाद में उसको कंटिन्यू करना, ज्यादा मजा आ जाता था, लेकिन लगता है छाप तिलक को अगर वो रहता ना तो ज्यादा मजा आता बैंड के साथ, क्योंकि उसके आखिरी में उसमें बैंड चाहिए। अरे छोड़ देती थी वाला। चलिए, मोमोज एंजॉय करें। आगे क्या खाने वाले अपन? अभी उधर बहुत सारी चीजें देखते हैं ना। मुझे बहुत अच्छा लगा गाने गाकर, और मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा। आपने देखा नहीं ये कैसे चीयर अप कर रहे थे वहाँ पे, और बहुत मज़ा आया। इन्होंने पता है वहाँ पे जब सबसे पहले ना ये वो गाने के लिए चांस नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने उनको बहुत वो कन्विंस किया कि नहीं आप एक चांस दो, हमारा ऐसा है, हमारी भी प्रोफाइल है, हमने सॉन्ग हमने ये भी बताया कि हम वेड मूवी का प्रमोशन करके आए, तो उसके बाद उनको ऐसा लगा नहीं यार कुछ तो है थोड़ा सा यार, हम लोग कुछ है। तो वो बोले कि ठीक है, मगर वो बैंड वाले ने यार बताया पूरा थोड़ा सा। इन्होंने फिर भी बहुत रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज एक गिटार ही बजा दो यार, मैंने बोला कुछ तो बैक में चाहिए यार लड़की को यार, चाहिए। अब इतनी सारी पब्लिक है, उसमें आवाज इतना आ रहा है, और फिर माइक में थोड़ा सा मतलब कुछ भी बैक म्यूजिक रहे ना तो और अच्छा आवाज लगता है। हमने हिला दिया था बहुत सारे लोग, मैंने तो हिला दिया बहुत। इन्होंने पता है, मैं आप वीडियो में देख रहा कि इन्होंने कैसे चीयर अप किया है, सबसे ज्यादा इनकी आवाज है। अभी हम लोग जाने वाले हैं इस झूले में, टिकट ले ली है अभी। डर लग रहा है मेरे को तो अभी से। तो बैठ गए हम लोग ये झूले में, और पहली बार बैठे हैं, फर्स्ट टाइम ये झूले में बैठे हैं हम लोग। लेट्स सी कैसा मजा आता है या नहीं आता है। और मेरे हस्बैंड तो आपको पता ही है कि वो नहीं आते हैं, तो लेट्स सी कैसा लगता है झूले में। उसे ही वहाँ से चिल्ला रहे ऊपर आने की, ऊपर नहीं आ सकते, हिम्मत ही नहीं है ना। ऊपर आओ ना, ऊपर आओ, ऊपर झूले में बैठो। ऊपर नहीं आ रहे। मम्मी कहाँ है? तो गाइस मैंने इससे बोरिंग झूला आज तक नहीं देखा। इसके पहले आप लोग है ना बोर हो गए बिल्कुल। देखो ऐसा लग रहा है कि मतलब के पैसे गए हमारे, बर्बाद हो गए पैसे। अगर आप लोग इसमें बैठने का सोच रहे हो ना तो कभी मत बैठना प्लीज। मतलब मुझसे चीख भी नहीं निकली, एक आ करके भी नहीं निकला। ये तो सही बात है। वही तो यार, क्या झूला था ये, बकवास झूला। ये सारी मेरे इंस्टाग्राम क्या देखते हो, कौन सी रील्स या यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ये सभी लोग वीडियोस देखते हैं। और हम लोग झूले में, जो झूले में बैठे थे ना बकवास, वो सब हम लोग एक साथ बैठे थे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि झूले में बैठना है तो कभी मत बैठना प्लीज। थैंक यू सर। ट्राई कर रहे हैं स्मोक डालिए। क्या है भी है? स्मोक बिस्किट है सर, नाइट्रोजन है ये। फाइनली कुछ तो लेने का सोचा इन्होंने, और अभी यहाँ पर इनके लिए हम लोग जैकेट देख रहे हैं। आ रहा है कुछ पसंद? भैया ऊपर का भैया नहीं बता देंगे आ रहा है कुछ पसंद। अभी हम लोग निकले हैं 12:30 बजे वहाँ से मेले से और बहुत ज़्यादा ठंडी है, मैं आपको बता नहीं सकती हम लोगों को क्या कंडीशन देखो। और हम लोगों ने ना वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की है जो आप लोगों को हम लोग घर जाके दिखाएंगे या फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, देख रहे हैं यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट खुला है या नहीं खुला है या फिर से हमको घर जाके खाना बनाना पड़ेगा। शॉपिंग करी है तो हाँ। आपके साथ मैं हो सकता है कि मैं आगे शेयर करूं। हाँ बताएं इस व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में तो आप ज़रूर शेयर करेंगे। अभी देखते हैं खाना खाने के लिए कौन सा जगह हमको मिलती है, देखते हैं चलो। और सिमरन और मम्मी अभी पता नहीं आए नहीं है, पीछे हम लोग उनके वेट करते हुए खड़े हैं यहाँ पर, उन लोग पीछे से आ ही रहे हैं बस। गाइस फाइनली एक रेस्टोरेंट हमको दिख गया है रास्ते में, तो सबकी जान में जान आ गई क्योंकि घर जाके खाना बनाने में अभी सबकी हालत टाइट हो जाती क्योंकि बहुत ठंड है। तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए। फाइनली इसके मुंह पे तो बहुत हंसी आ गई है क्योंकि इसको बनाना पड़ता ना। फाइनली रेस्टोरेंट मिल गया। क्यों फाइनली रेस्टोरेंट मिल गया। खा लो ना। मैंने ये है ना इतना बड़ा। सो हमने मंगाया है मटर पनीर, सेव टमाटर और ये है बटर नान। नहीं ये क्या है, ये लच्छा पराठा है ना, इनको बहुत अच्छा लगता है लच्छा पराठा, तो ये लच्छा पराठा इनके लिए और सादी रोटियां और अचार। अभी हम लोग नान भी एक आ रही है बटर नान। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, खाने को इंजॉय करते हैं और फिर घर चलेंगे। बहुत ठंडी भी लग रही है, खाते खाते दांत कपकपा रहे हैं हमारे। अरे वाह ये देखो कितना प्यारा हार्ट बना के लाया है भैया ने बटर नान में। खाना खा के हम अभी निकल रहे हैं, रात के 1:30 बज चुके हैं और इतनी ठंडी है गाइस मैं आपको बता नहीं सकती। क्या हुआ खाना खाया था टेस्टी, बहुत अच्छा खाना, हाँ बहुत टेस्टी था, मगर क्या हुआ तो अंदर थोड़े से ड्रिंक कर ली और रात के 1:30 बजे और मेरा पेमेंट होगा तब भी बोलते मेरे को वहाँ से मैसेज नहीं आया, मैसेज ही नहीं आया भाई, मैसेज ही नहीं आया। बोला यार अब क्या कर सकता हूँ मैं, उसके लिए मैं क्या करूँ, बैंक में मैसेज नहीं करता हूँ, बोले तो जब तक रुक रहा हो, बोले जब तक मैसेज हाँ रात के 1:30 बज गए हैं इधर। और भी मैंने और पेमेंट करो बोले आप, हाँ जो बिल है बोले डबल से उतना बिल करो, बोले मैं आपको भिजवा दूंगा, बोले नहीं हो पाएगा इतना सॉरी। जबकि हमारे पास हमारे बैंक से मैसेज आ गया कि आपके इसमें से डेबिट हो गए हैं पैसे। बड़ी दिक्कत है ये ऑनलाइन वाली, कभी कभी ऐसी दिक्कत करते हैं। बहुत ठंडी है यार, आपके तो हाथ पूरे कड़क गए होंगे। तो सबकी तबीयत खराब होने लग गई है, उसका उधर सर दर्द हो रहा है, इधर आकर के ऐसी बिल्कुल सो गई है। हा? ये देखो कान अच्छे तरीके से बांधे नहीं, गाड़ी मैंने चलाई है, हालत इसकी खराब है। तो गलती किसकी है, और भी तो चीजें थी ना। सो गाइस हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। हम लोग को चाय पीना था, कॉफी पीना था, नहीं मिलने वाली, चुपचाप सोना पड़ेगा। सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मैं प्रणु के जैसे तो एंड नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। बताना मुझे कमेंट करके कि मैंने कैसा एंड किया। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके ऐसा लायक लगते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि हम लोग अभी नॉर्मल हो रहे हैं। और अब हम लोग कल निकलने वाले हैं घर, यानी आमला। और जो भी आज शॉपिंग की है ना गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को जल्दी ही बता देंगे। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।